না ভুল কথা বলে হ্যাঁ সিজন হ্যাঁ সিজন শীতকালে একটু কম রেট শীতটা উঠে আমি স্টার্ট হচ্ছে কথা বলবে আমার জন্য উঠবে যে হিসাবে শীতকালে 200 বিক্রি করবে বর্তমান হাজার 200 200 গুড মর্নিং গাইস, তো আজ হে ফ্রাইডে और फ्राइडे वाला व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह के 8:30 बजे है और मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा फैक्ट्री के छत के ऊपर से। तो फैक्ट्री आई हूँ क्योंकि आज मेरा यहाँ पर फैक्ट्री के छत के ऊपर एक रूम होगा, यहाँ एक रूम होगा। तो मिस्त्री आया था बात करने के लिए, तो इसीलिए मैं भी आई थी मेरा हस्बैंड के साथ। सीमेंटिंग का काम होगा इधर, और इसीलिए मैं अभी आई थी। मेरा बेटा को स्कूल छोड़ के घर का कुछ काम था, काम ख़त्म करके यहाँ आई थी। तो यहाँ आई थी तो मैं सोची कि फैक्ट्री जा रही हूँ तो उधर से स्टार्ट कर लूँगी आज का ब्लॉग, तो इसीलिए इधर आई हूँ फैक्ट्री। और यहाँ का व्यूज़ देख लीजिए, बहुत अच्छा, इधर बहुत सुंदर हवा, बहुत अच्छा। तभी मेरा हस्बैंड और मैं घर में जाऊंगी, और घर में जाके मेरे को नहाना भी है और मार्केट जाऊंगी, थोड़ा चिकन और फिश क्या लाएंगे मेरा हस्बैंड वो आज कुक भी करूंगी लंच के लिए। और तो चलिए फ्रेंड्स, घर में जाके आप लोगों के साथ बात करती हूँ। बहुत ज़्यादा धूप, सुबह के 8:30 बजे इतना धूप। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर में, तो घर में जाके आप लोगों के साथ बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं घर में आ गई हूँ, मार्केट गई थी, चिकन लेके आए हैं हम लोग, और अभी ब्रेकफास्ट करेंगे मेरा हस्बैंड और मैं, पराठा और आलू की भाजी, क्योंकि मेरा बेटा टिफिन लेके गया है आज, तो वही हम लोग खाएंगे अभी। और खाने के बाद नहाऊंगी, नहाने के बाद घर का पूजा खत्म करूंगी, पूजा के बाद कुक करूंगी। सो गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ, कुक करूंगी। अभी 12 बज गए, मेरा बहुत लेट हो गया क्योंकि इसलिए मेरे पास एक लेडी आए थे कपड़ा खरीद करने के लिए, तो वो लेके गया। उसके बाद मैं नहा लिया, नहाने के बाद पूजा खत्म करके अभी आ चुकी हूँ कुक करूँगी। तो आज चिकन बनाऊंगी और आलू परवल की एक सब्जी बनाऊंगी। और आज मेरा ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरा कालर होगा, कालर मिस्त्री आएगा क्योंकि यहाँ पर नया चिमनी भी लगेगा, तो मैं सोची कि चिमनी लगने के बाद तो कालर करना अच्छा नहीं होगा, तो अभी कालर कर लूंगी, उसके बाद चिमनी मिस्त्री आएगा चिमनी लगाने के लिए। तो आज कालर मिस्त्री आएगा, यहाँ पर कालर होगा, तो इसलिए फटाफट कुक करूंगी। और आज बनाऊंगी चिकन, और उस दिन जो प्रॉन और राइस के साथ खिचड़ी जैसा बिरयानी बोला था, लेकिन ओरिजिनल बिरयानी है इस तरह तो नहीं होता है, तो मैं चिकन को भी आज उसी तरह बना लूंगी। और आलू परवल की सब्जी, और आलू परवल की सब्जी ज़्यादा बना लूंगी क्योंकि रात को आज सिर्फ रोटी बनाऊंगी क्योंकि इधर काम होगा, तो इसीलिए
ये आलू परवल को मैं फ्राई करके नहाने गई थी। और आज नहाने के टाइम में मेरा एक मेरे साथ एक मजा हो गया, क्योंकि जो बाथरूम में मेरा शैम्पू था अनिका प्लस और मेरा फेस वॉश था क्लीन क्लियर, तो मैं क्या करी बालों में पानी डाल के फेस वॉश के शैम्पू के जगह में मैं फेस वॉश को बालों में दे दिया। बहुत और आज मेरा बहन आएगा, उसको भी मैं बुलाया क्योंकि वो घर में अकेले ही रहता है तो उसको भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं आज चिकन भी बना रही हूँ और वो आएगा, उसका भी थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट में काम है। तो आलू परवल की सब्जी हो चुका है और आज मैं चिकन के साथ ये कॉलीफ्लावर और ये पोटैटो फ्राई भी थोड़ा दे दूंगी, चावल के साथ जो बिरयानी बनाऊंगी बिरयानी में दे दूंगी। आज ये ऑनियन को मैं ग्राइंड कर लिया, चिकन में कोई स्पेशल नहीं आज, सिंपल सा ही होगा। और इसमें गार्लिक जिंजर और रेड चिली ग्राइंड कर लिया। मेरा घर का पेड़ में बहुत सारा कस्टर्ड एप्पल हुआ था, उस दिन तो दिखाई थी मैं, लेकिन आज भी हुआ था। तो मेरा हस्बैंड अभी देखिए कितना हुआ था, बहुत सारे। और मेरे बहन आएगा ना, बहन आएगा तो बोलेगा मुझे सब दे दे, वो उसको खाने में अच्छा लगता है। और मेरा बेटा तो नहीं खाता है। इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर ज्यादा नहीं दिया हूँ क्योंकि रेड चिली को मैं गार्लिक के साथ थोड़ा सा पेस्ट कर लिया था, तो इसलिए ज्यादा नहीं दिया हूँ। चिकन के साथ मैं थोड़ा सा ऑयल और हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर और नमक, इसको मैरिनेट करके रखी थी वो भी दे दूंगी।
निकल लूंगी। पहले से ये चावल को मैं अच्छा से धो के भिगो के रखी थी, तो ये भी दे दूंगी। मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा बिरयानी मसाला, और ये है घी। ये अमूल का घी, अमूल कंपनी की घी डब्बा। मैं पहले से ही पानी को गर्म करके रखी हूँ, जल्दी से हो जाएगा। ये 2-3 ग्रीन चिली भी दे दूंगी इसमें। तो ये हो जाएगा। होने के बाद कॉलीफ्लावर को जो फ्राई करके रखी थी ये भी दे दूंगी, और कुछ ऑनियन को ब्राउन करके फ्राई किया था तो वो भी दे दूंगी, ऐड कर दूंगी इसके साथ। अभी ये कॉलीफ्लावर को मैं ऐड कर दूंगी उसके साथ। बाबा चान करो ने। ओके ओके, मेरा बेटा भी आ चुका है। ये देखिए ये मेरा बेटा। आज क्या है, बिरयानी है तो उसका मन बहुत खुश है। अच्छा, ये बिरयानी है तो? हाँ, चिकन बिरयानी। बिरयानी नहीं, चिकन खिचड़ी। कहाँ चिकन कहाँ है? ये देखो बेटा, ये क्या है? ओह शिट, जा चल को ना बाबा दिल्ली खेलने जा। हो गया चिकन का खिचड़ी है क्या? खिचड़ी है, बिरयानी खिचड़ी जो भी बोल सकते हैं। बाबा जा 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 खेलो। अल्लाह बिस्मिल्लाह। हम लोग खाएंगे, नीचे बैठ के ही खाएंगे, क्योंकि मेरा हस्बैंड को नीचे बैठ के खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है। और तो इसीलिए इधर मेरा एसी है, एसी चला के हम लोग नीचे बैठ के खाते हैं। और मेरा खाना भी रेडी, सैलड और आलू परवल की सब्जी, और कुछ चिकन कोसा, और इधर बिरयानी खिचड़ी जो भी बोल सकते हैं आप लोग। तो मेरा बहन अभी नहीं आया है और उसका थोड़ा देर होगा आने के लिए, तो
हम लोग अभी खा चुके हैं और बहुत टेस्टी हुआ था, और मेरा बहन भी आ चुका है। देखिए अभी मैं खाऊंगी, अभी वो खाएगा, और बहुत टेस्टी हुआ था। और उसको मैं खाना दे दूंगी, उसके बाद ये सब साफ सुथरा करूंगी क्योंकि कालर मिस्त्री भी आ जाएगा। तो बहुत मेरा बिरयानी बोल सकते हैं और नहीं तो खिचड़ी भी बोल सकते हैं, क्या हुआ, लेकिन बहुत टेस्टी हुआ था। आज मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खाया था बिरयानी। जब मैं बनाती हूँ इतना ज़्यादा नहीं खाता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा खा लिया। तो ठीक है, उसको बहन, मेरा बहन को खाना दे दूँ। और ये सब किचन में सब चीज इधर लेके डाइनिंग रूम में रखूंगी क्योंकि यहाँ पर खड़ा होकर मिस्त्री काम करेगा, कलर करेगा। मिस्त्री को भी कॉल करूंगी अभी, वो आएगा कि नहीं उसके बाद। अभी शाम के 7 बज गए हैं और मिस्त्री भी अभी तक नहीं आया है। और मिस्त्री को मैं फोन की थी, बोला आज नहीं आएगा, कल आएगा। और मेरा हस्बैंड अभी नहीं है घर में, फैक्ट्री गए हैं। और मेरा बेटा गया है लैंग्वेज ट्यूशन। और मैं थोड़ा सा अभी पकौड़ा बनाऊंगी, आलू की पकौड़ा। इसको मैं मैरिनेट करके रखी थी, थोड़ा सा बनाऊंगी, खा लूंगी। कुछ एडिट का काम भी है, वो भी करूंगी और पकौड़ा भी खाऊंगी। पकौड़ा रेडी, थोड़ा खा लूंगी। आज कलर का काम खत्म हो जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि कल मेरा थोड़ा काम है, कल थोड़ा बाहर जाऊंगी शाम के टाइम में। और संडे को मेरा रहता है, संडे में मेरा बेटा घर में रहता है। और संडे को क्या होता है, मेरा जो ड्रामा है ना वो शूट करती हूँ मैं संडे को, तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। वो कलर मिस्त्री नहीं आया तो बहुत प्रॉब्लम है। और मेरा बहन भी चला गया घर में, और मैं अभी थोड़ा काम करूंगी इधर, और ये पकौड़ा भी खाऊंगी। ये बेसन मेरा हस्बैंड जो फैक्ट्री में होता है ना, हस्बैंड लेके आए थे घर में, बहुत अच्छा।
अभी रात के 9:30 बज गए हैं और मैं अभी रोटी बना रही हूँ। मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा खाएगा और मैं आज रात को कुछ भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा बहुत एसिडिटी हुआ है। अभी मेडिसिन ले लिया मैं एसिडिटी के और सिर्फ पानी पी के सो जाऊंगी। और शाम के टाइम में जो पकौड़ा खाई थी ना उसका एसिडिटी, मेरे को बहुत एसिडिटी होता है। और आज का ब्लॉग यहीं पर ही खत्म करती हूँ, तो आप लोगों को साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देख के जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और लाइक सब्सक्राइब दीजिएगा। और आप लोगों को सब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।